एपिसोड शुरू होता है हम देखते हैं अकीरा को। अकीरा यहाँ पर गेम खेल रहा होता है और दूसरी तरफ किंग जो यहाँ पर खाने की तैयारी कर रहा होता है। अकीरा का जब गेम खेलना खत्म हो जाता है तब वो दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। अकीरा फूड को खा के कहता है, ये क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ये समुद्री भोजन है पर इसके अंदर कुछ अलग है। ओ तो तुमने नोटिस किया। बाद में किंग उसे दिखाता है कि इसके अंदर क्या है। इसके अलावा तुम बहुत कुछ कर सकते हो, है ना केंचो, इसलिए तुम बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो। अरे बेवकूफ, एक आदमी को खाना बनाना आना चाहिए, ऐसे में तुम्हें कभी डेट पर जाने का मौका नहीं मिलेगा। अकीरा ये सुनते हुए उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है अपने दिमाग के अंदर। मुझे एक मिलेगा तुम देखोगे। हाँ हाँ, आश्चर्य है कि वो कब होगा। वो आज ही होगा, आज आज तुम ऐसा कहते हो। लेकिन केंचो ऊपर से नीचे की तरफ देखता है जहाँ पर सभी जॉम्बीज है। केंचो इस जॉम्बीज को देखते हुए उसे कहता है, तो फिर ठीक है, गुड लक। अकीरा यहाँ पर बहुत शर्मिंदा हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। बाद में देखते हैं केंचो यहाँ पर अकीरा का डायरी को देखता है। बाद में वो सोचता है कि अपना भी एक ड्रीम लिखा जाए उसके ऊपर। ऐसे में अकीरा को कहता है कि मैं इस ड्रीम लिखना चाहता हूँ इसके अंदर। अकीरा यहाँ पर बाद में नोटिस करता है जिसके चलते वो गेम पर हार जाता है। केंचो यहाँ पर अपना एक ड्रीम लिखता है, वो ड्रीम होता है एक स्टैंड अप कॉमिक बने। बीच में अकीरा आ जाता है और कहता है, ये मेरा नोटबुक है, तुम इस पर नहीं लिख सकते। पर यहाँ पर केंचो ने बहुत पहले से अपना एक लिस्ट बना रखा है ड्रीम करने के लिए। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया, मैं किसी प्रेम होटल में मर जाऊंगा, अब से मुझे भी यात्रा पर साथ ले चलो। ऐसे में अकीरा ये सुनते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो इसलिए केंचो से कहता है, चलो तो फिर एक बड़ा सा टीवी खरीदने के चलते हैं। ऐसे में वो दोनों निकल पड़ते हैं अपनी बाइक के ऊपर टीवी को खरीदने के लिए, टीवी को लेने के लिए। बीच में अकीरा उससे पूछता है, वैसे भी केंचो तुम कॉमिक का क्यों अच्छा कलाकार बनना चाहते हो। केंचो ये सुनते हुए बाद में उसे कहता है कि जब मैं छोटा था तब मुझे बहुत ज़्यादा कॉमेडियन शो देखना मुझे पसंद था, मेरे ख्याल से हमेशा से एक दिन ऐसा बनना चाहता था, ये मेरा सपना था। अकीरा यहाँ पर सोचता है उसका ड्रीम। अकीरा यहाँ पर सोचता है कि मेरा सपना क्या था, उस कंपनी में काम करना यही मेरा सपना था। ऐसे में बीच में केंचो उसे कहता है, अकीरा। अकीरा वो यहाँ पर रुक जाता है और सामने देखता है कि वो दोनों देखते हैं कि उसके सामने एक ज़ॉम्बीज है और उसी के हाथ के सामने एक फायर ब्रिगेड का पाइप है जहाँ से आग निकल रहा है। ये भयानक है, मेरा वाइट स्क्रीन टीवी बस कड़े भी है। बाद में वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो फिर एक पेट्रोल का ट्रक आ रहा है, वो भी ज़ॉम्बी चला रहा होता है। केंचो यहाँ पर अकीरा को कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है क्योंकि वो ट्रक सीधा उन दोनों के सामने आ रहा है। अकीरा यहाँ पर हर एक जगह को अच्छे से देख रहा होता है कि कहाँ से निकलने का मौका मिलेगा। अकीरा यहाँ पर एक जगह को देखता है और एक चीज नोटिस करता है, केंचो बीच में कहता है, हम क्या करने जा रहे हैं। अकीरा को वो पल याद आता है जब उसके सामने लड़की थी और उस लड़की ने किस तरह से उसे बचाया था। उस चीज को सोचते हुए अपने बाइक को स्टार्ट करता है, ट्रक के सामने लेके जाता है और इंतजार करता है ट्रक कब सामने आएगा। केंचो बीच में कहता है, तुम क्या करने जा रहे हो। पर यहाँ पर अकीरा फुल कॉन्फिडेंस होकर अपने ग्लास को आंखों में लगाता है और ग्लास को दबाता है और बाइक को स्टार्ट कर देता है एंड फुल स्पीड में ट्रक के सामने चला जाता है। दोनों एकदम आमना सामनी हैं। ट्रक यहाँ पर एक चीज से टकराते हुए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसी चीज का फायदा उठाता है अकीरा यहाँ पर अपनी बाइक को ट्रक के ऊपर से लेके चला जाता है और जो सामने जॉम्बी था उस जॉम्बी से टकरा जाता है, पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। केंचो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उस ज़ॉम्बीज का सिर उसके सिर से टकरा जाता है, तुम लोग उसके मुंह को देख सकते हो। ऐसे में वो दोनों बिल्डिंग के नीचे चले जाते हैं। अब वो लोग अंडरग्राउंड के अंदर है तो फिर उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। वो लोग सोच रहे हैं कि उन लोगों का कुछ नहीं हो पर उन्हीं के सामने ज़ॉम्बीज होता है। अकीरा यहाँ पर कोशिश करते हैं बाइक को रोकने के लिए पर वो दोनों बाइक से गिर जाते हैं। ऐसे में उन दोनों को एक जगह मिल जाती है जहाँ से वो दोनों बच सकते हैं। ऐसे में वो दोनों अंदर आ जाते हैं और दरवाजे को लगा देते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि यहाँ पर वो दोनों बच गए पर पीछे से एक रोशनी आते हुए उन दोनों के सामने। वहाँ पर और भी ज्यादा इंसान होते हैं और वहाँ पर तीन लड़कियाँ और एक लड़का होता है। वो लड़की उन दोनों से पूछता है, तुम दोनों इन्फेक्ट तो नहीं हो। अकीरा कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुआ कि तुम लोग जिंदा हो, तुम किस बात के लिए इतनी आभारी हो। हम लोग हर जगह से ज़ॉम्बीज की तरह फंस चुके हैं। एक लड़की छुपते हुए कहता है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसे और ज्यादा नहीं सह सकता। असल में ये लोग बहुत डरे हुए हैं ज़ॉम्बीज से। केंचो यहाँ पर उन लोगों को समझाता है, यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए बहुत कुछ है। इस हालत में हमें सब बस पॉजिटिव के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे में वो सब लोग कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं।
बीच में लड़की उन दोनों से पूछता है तुम दोनों को कुछ चाहिए खाने के लिए। बाद में वो लड़की उन दोनों को पीने के लिए कुछ देता है। यहाँ पर अकीरा को जो मिला था वो उसका फेवरेट है। ऐसे में वो सब लोग एक जगह पर गोल होकर बैठ जाते हैं और बीच में एक लड़की बोलती है तो फिर ऐसे में हम सबको अपनी अपनी परिचय देना चाहिए। ये सुनते हुए किंचो और अकीरा यहाँ पर समझ में आ जाता है कि उन दोनों को क्या करना है, इसलिए वो दोनों बहुत कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। इस वक्त कुछ ऐसा महसूस होता है, हम सब लोग शराब पी रहे और खाना खा रहे हैं, है ना। ये सब कुछ सोचते हुए किंचो यहाँ पर शुरुआत करता है। किंचो यहाँ पर अपना नाम कहता है, ये अकीरा है। किंचो यहाँ पर दूसरे आदमी की तरफ देखता है पर किंचो को कुछ समझ में नहीं आता उसके बारे में। तो फिर तुम लोगों के बारे में क्या? यहाँ पर सभी लड़के अपनी अपनी नाम कहते हैं। फिर से यहाँ पर किंचो अकीरा को लेके हुए कहता है, हम लोग कॉलेज के दोस्त है, तुम लोगों के बारे में क्या कहते हो? बीच में एक लड़की कहती है, ऐसे में हम लोग जापान जा रहे थे और जब बाद में जब जापान पहुंचे तब ऐसा हो गया। ये सुनते हुए अकीरा और किंचो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर इसका मतलब तुम लोग, लड़की कहते हैं तुम लोगों ने सही समझे, हम लोग फ्लाइट अटेंडेंट्स है। ये सुनते हुए वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो दोनों एक प्लेन के अंदर है और सभी लड़कियां उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम, ये यकीन करना मुश्किल है पर ये सच में, वो लोग सोचते हैं ये एक अच्छा मुलाकात होगी उन लोगों के साथ। लेकिन वो जॉम्बीज दरवाजे खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं और इसी आवाज के चलते उन लोगों का पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाता है। अकीरा यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान से सोचता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो हर वक्त अकेले रहेगा, इसीलिए वो सोचता है कि एक लड़की को अपना दोस्त बनाए, इसीलिए वो एक लड़की के पास चला जाता है। तो वैसे में उस लड़की से पूछ लेता है, तो युकारी आपका कोई बॉयफ्रेंड है? तुम सीरियसली होके इस बात को अभी पूछ रहे हो इस वक्त? ये सुनते हुए अकीरा और भी ज्यादा घबरा जाता है। अकीरा यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, सोचता है अब मैं क्या करूँ। बाद में अकीरा किंचो की तरफ देखते हैं और देखता है कि किंचो यहाँ पर बिंदास होकर इस लड़की के साथ बात कर रहा है। ये देखते हुए अकीरा का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। अकीरा यहाँ पर सोचता है कि मेरे किस्मत में कुछ नहीं है। और बाद में किंचो उसकी तरफ देखता है, किंचो यहाँ पर उसे चिढ़ाते हुए एक स्माइल देता है। अकीरा को यहाँ पर उस बात को याद आता है जिस बात को किंचो ने कहा था कि तुम कभी भी डेट पर नहीं जा पाओगे। वो अपने बात को भी याद करता है कि उसने कहा था कि मैं आज ही करूँगा। अकीरा यहाँ पर सबका अटेंडेंस पाने के लिए एक बियर को लेता है और उसे सबके सामने खाना शुरू कर देता है। और उसी के बीच वो लड़की आ जाती है। उस लड़की अकीरा को देखते हुए बहुत ज्यादा हंसना शुरू कर देती है। यहाँ पर अकीरा के वजह से ये पार्टी फिर से मजेदार हो जाती है। पर यहाँ पर अकीरा ने इतनी ज्यादा बियर पी ली थी जिसके चलते वो बेहोश हो जाता है। बाद में हम लोग देख सकते हैं अकीरा यहाँ पर एक टॉयलेट के अंदर उल्टी कर रहा है। पर यहाँ पर पीछे से वो लड़की आती है, उसके पीठ के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है, तुम ठीक तो हो? अकीरा उस लड़की को देखते बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर किंचो उस एक और लड़की के साथ बहुत ज्यादा खुश है और दूसरी तरफ एक लड़की ड्रिंक कर रही है, एक लड़का बैठा हुआ है और देखने में ऐसा लग रहा है वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा हुआ है। तुम लोग देख सकते हो उसकी हालत क्यों खराब है। अकीरा यहाँ सोचता है, मेरे पास क्या अभी भी मौका है? पर दूसरी तरफ उस लड़के की हालत और ज्यादा खराब हो शुरू हो जाता है। बाद में वो लड़का गिर जाता है। लड़का यहाँ पर पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे में लड़की को पकड़ लेता है, लड़की कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? बाद में वो लड़की देख लेती है कि वो ज़ॉम्बी बन चुकी है और इसी वजह से लड़की बहुत ज्यादा जोर से चीखती है जिसके चलते किंचो उठ जाता है। उसी तरफ अकीरा को कुछ भी पता नहीं। बाद में वो लड़की अकीरा को याद दिलाती है कि तुमने जो मुझे क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन का आंसर है, मेरे पास बॉयफ्रेंड है लेकिन हम दोनों का कनेक्शन टूट गया पर मुझे पता है वो जिंदा है। ये सुनते हुए अकीरा की हालत रोने जैसी हो जाती है। फिर भी बाद में अकीरा को ये ख्याल आता कि हाँ, वो लड़की बहुत ही अच्छी पर्सन है। और दूसरी तरफ किंचो यहाँ पर उस जगह पर जा रही है जहाँ पर चीखने की आवाज आई थी। किंचो उस जगह पर जाके बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी है। किंचो के चेहरे को देखो तुम लोग, किंचो के यहाँ पर लेने के देने पड़ गए। वो ज़ॉम्बी किंचो की तरफ अटैक करता है पर किंचो उससे हट जाता है, इसलिए वो लड़की को अटैक कर देता है। बाद में वो ज़ॉम्बी फिर से किंचो की तरफ आना शुरू कर देता है। किंचो यहाँ पर खुद को बचाते हुए एक सूटकेस को लेता है, उसके मुंह पे मारता है। बाद में किंचो को समझ में आता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो फिर वो कोशिश करता है अकीरा को बताने के लिए। दूसरी तरफ अकीरा उस लड़की के साथ बातें करता है। लड़की यहाँ पर उसे बताती है कि वो जिस जगह पर काम करते है वो इस ड्रीम की जगह थी, वो काम एक ड्रीम काम थी। और यहाँ पर तुम लोगों को पता है वो तीनों लड़की किस तरह की काम करती है। ऐसे में लड़की अकीरा को बताती है कि एक दिन मुझसे गलती हो गई थी जिसके चलते मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा था सबके सामने। अकीरा उसे कहता है, ये बहुत ज़्यादा डरावना है पर ये मेरा सोचना बहुत ही गलत होगा कि ये सपने का काम होगा। ऐसे में अकीरा भी अपने ड्रीम के बारे में सब कुछ कहता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसके बाद कौन कौन चीज़ थे, क्लाइंट अटेंडेंस बनने का सपना किसका था
अगर ये आपका है और आप इसे करना चाहते हैं तो इसमें कौन परवाह करता है कि कोई क्रोधित बूढ़ा आदमी आपको क्या कहता है। और यही बात उस लड़की के दिल को छू जाता है। और यहाँ पर वो लड़की कुछ बोलना चाहती थी और पीछे से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। और लड़की पीछे मुड़ के देखता है तो समय खत्म हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर वो ज़ॉम्बीज उस लड़की को काट ले चुकी थी। और ये सब कुछ अकीरा के सामने हो रहा था। युकारी अकीरा उस ज़ॉम्बीज को पकड़ता है और पीछे फेंक देता है और एक जोरदार मुक्का मारता है जिसके चलते वो नीचे गिर जाता है। युकारी जल्दी उठो। अकीरा ये सब कुछ देखते हुए और बहुत शर्मिंदा हो जाता है खुद के सामने। सब कुछ ठीक है, जल्दी से चले जाओ यहाँ से, मैं ऐसा नहीं कर सकता। युकारी मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ। ऐसे में वो दोनों गले मिल जाते हैं और लड़की कहती है, पहली बार जब तुमसे मिला था तब तुम्हारे पीठ को सहला रहा था मैं, तब मुझे यकीन आया, मुझे बचपन पे पहली उड़ान याद आ गई। ऐसे में फिर से वो ज़ॉम्बीज उठ जाता है। मैं हवा की बीमारी से बहुत दुखी था लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट ने मेरे पीठ को धीरे से सहलाया, इससे मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया कि मैं बड़ा होकर उसके जैसा बनना चाहता था। तो ये मेरा सपना था और वास्तव में अब मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। तुम्हारा सपना एकदम बढ़िया है, मुझे आशा है कि मुझे भी अपनी सपनों की नौकरी मिल जाएगी। ऐसे में वो लड़की अकीरा को सामने धकेल देता है और कहता है, तुम्हें पता है आज महसूस हुआ एक असली पार्टी की तरह, ये मज़ेदार था है ना। अकीरा ये सुनते हुए वहाँ से भाग जाता है रोते हुए। अकीरा पर बहुत रोता है और किंचो के साथ मुलाकात हो जाती है। किंचो यहाँ पर अकीरा को बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, सभी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं लेकिन मुझे वो बड़ा बड़ा टीवी मिल गया। अकीरा ये देखते हुए फिर से हंसना शुरू कर देता है। वो बाद में वो दोनों बाइक को लेकर उससे उस बिल्डिंग से निकल जाते हैं। और बाद में शाम हो रही है, किंचो यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही है और अकीरा यहाँ पर गेम खेल रहा होता है। अकीरा यहाँ पर गेम खेल रहा होता है और गेम पर लिखा होता है, यू आर डेड। अकीरा यहाँ पर किंचो की बातें और उस लड़की की बातें को याद करता है। ये सब कुछ याद करते हुए एक पेन को लेता है, अपनी डायरी पे एक और ड्रीम लिखता है, मेरे बचपन के सपने को याद करो। ये लिखते हुए फिर से गेम को हाथ में लेता है और फिर से मुस्कुराता है और सेलेक्ट करता है, मैं जी रहा हूँ। ऐसे में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।